एक जब सीरियल बनता है तो लोगों को लगता है कि बस आर्टिस्ट सेट पे आते हैं और कोऑर्डिनेट होता है, काम हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्त असली एक्टर के पीछे भी रियल हीरोज होते हैं, जैसे कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर मैनेजर हो गया, इनके बिना ना कोई भी अच्छा और सक्सेसफुल सीरियल प्रॉपर वे में तो हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको आज मिलवाऊंगा रिजवान सर के साथ, जो सिद्धिविनायक शो के प्रोडक्शन हेड है। तो आइए थोड़ी इनसे बात करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? तो सर आप ये बताइए, आप कब से इस इंडस्ट्री में? 1997, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। वाओ, आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में? आपने ये ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है? हाँ, एक्चुअली डिसाइड यही था कि इसी इंडस्ट्री में करना है, बट क्या करना है ये पता नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद मैं 97 में मुंबई आया इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। पहले एक्टिंग में ट्राई किया, थोड़ा मोड़ा कुछ करता गया, फिर मैंने 2 साल डायरेक्शन में काम किया, बट 2000 से मैंने प्रोडक्शन ज्वाइन किया। तो प्रोडक्शन मैनेजर से लेके प्रोडक्शन कंट्रोलर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर के बाद मैं 6 साल से एज ए प्रोडक्शन हेड या प्रोजेक्ट हेड काम कर सकता हूँ। हुआ ये था कि मैं एक्टिंग करते करते 1.5 साल हुआ, तो उसमें मुझे काफ़ी जो पर्दे के पीछे जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन दो में से मुझे लगा कि मैं डायरेक्शन में जाता हूँ, डायरेक्टर बनना है। बट असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद मुझे लगा कि यार मतलब प्रोडक्शन है मेरे लिए, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मेरे लिए बना है। कंधे के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? जी हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब शो सेटअप, जब प्री प्रोडक्शन चलता है, शो आने से पहले से लेके उसकी पूरी प्रिपरेशन जो होती है, जो प्री प्रोडक्शन कहते हैं हमारे यहाँ, उसमें आती है स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, कास्टिंग, चैनल से वो पूरा डील, दैन शुरू होता है कि अब शूट शुरू करना है, तो उसके साथ हमारा जो सेट लगता है, लोकेशन चूज होती है, कौन एक्टर रहेगा, कौन डायरेक्टर, कौन सी टीम जो बनेगी पूरी, जी डायरेक्टर से लेके स्पोर्ट बॉय, जी उसको पूरा बनाना, उस टीम को खड़ा करना, एंड उसके बाद जब शूट शुरू होता है तो टाइम पे टेलीकास्ट हो जाए, बजट के अंदर बने, दोनों चीज़ें मायने रखती है कि चैनल का क्वालिटी, टाइम पे टेलीकास्ट और प्रोडक्शन हाउस का बजट, दोनों मेंटेन करना होता है। तो मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टेलीकास्ट से लेके बजटिंग तक। इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान का ये सपना है कि मैं ये काम करूँ, मैं इंडस्ट्री में आऊँ। मेरा ये सजेशन है 20 साल के तजुर्बे के बाद कि इस इंडस्ट्री में ख्वाब लेके ना आए। नो डाउट अगर कोई कला है, एक्ट है या कोई टेक्निकल आप स्ट्रॉन्ग है तो ही आप ट्राई करें। सिर्फ मुझे ये करना है, इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि कभी भी आप ट्राई ना करें। आपके साल दो साल तो छोड़िए, 10-15 साल भी वेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, बाकी नसीब के ऊपर। सर आपको थोड़ा पर्सनल बताइए, आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा बिजनौर है और बिजनौर में एक शहर है धामपुर, और उस धामपुर का एक बहुत छोटा सा एक गाँव है मनकुआ, तो मैं मनकुआ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। आप जब मुंबई में आए होंगे वो टाइम पे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि स्ट्रगल पीरियड में जी, क्योंकि घर वालों की गैर मर्जी से आया था मैं भी जी, तो खाने के पैसे नहीं होते जी, बहुत कुछ दिक्कतों का सामना किया कि बस से चले गए और बस के बाद जहाँ ऑटो से जाना होता है, जहाँ बस नहीं जाती जी, वहाँ तक पैदल सफ़र करते थे, वहाँ से वापस बस तक पैदल आते थे, एक वड़ा पाव खा के ज़िंदगी काफ़ी 2 साल मतलब लंच मतलब वड़ा पाव हुआ। देखिए मतलब इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है, इतना इजी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर आपको एक्टर बनना है तो स्ट्रगलिंग करनी है, इस इंडस्ट्री में आपको छोटा सा हिस्सा भी बनना है ना, तो देखो मैं कोई भी डिपार्टमेंट है, मेरा एक बात और ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट कितना भी काम कर ले, ज़िंदगी भर इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल है, बिकॉज एक शो के बाद या एक प्रोजेक्ट के बाद, आप चाहे फिल्म करें या टीवी, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा क्या कुछ पता नहीं होता, सब ऊपर वाले पकड़ के आते हैं बेशक। तो एक एडवाइस आप उन लोगों को क्या देना चाहोगे जिनको एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में कुछ करना है पर उन लोग श्योर नहीं क्या करना है, क्योंकि आप उस फेज से जा चुके हैं, जो आप बेस्ट बनते हो, जो अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं? फिर इंटर्नशिप में सीखें, चाहे अगर आपका इंटरेस्ट प्रोडक्शन में है, डायरेक्शन में है या कैमरा में है, बाकी और भी डिपार्टमेंट है, साउंड है, मेकअप है, हेयर है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंटरेस्ट, सोच, आपकी आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
आपको ज़रूरी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लें तो आपकी पर्सनैलिटी को पहले देख लें, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। करेक्ट। तो यही है कि अगर करना है तो आप आए, पहले समझे, डिपार्टमेंट समझे, फिर आपको समझ में आता है कि मेरे को इस डिपार्टमेंट में शायद मैं जा सकता हूँ, उसके लिए ट्राई करें, उसमें इंटर्नशिप करें, साथ में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह होगा। ये थे रिजवान सर, प्रोडक्शन हेड सिद्धिविनायक की। तो इनसे हमने बात करी और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी हमें राय दी है। और देखिए, इन्होंने जो भी कहा ये दिल से कहा। अगर देखिए, अगर आप अक्सर आप लोगों को देखोगे तो वो आपको रिकमेंडेशन करता है कि आप भाई फलां स्टूडियो पे जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। उन्होंने क्या बोला कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको हिस्सा बनना है तो ये सब चोचलेबाजी नहीं, आप आइए, इंटर्नशिप कीजिए और आप इस इंडस्ट्री में खाब लेके नहीं आइए। तो फिलहाल अभी चल रहा है लंच टाइम, सब जगह हो रहा है लंच। लंच होने के बाद हम एक बार फिर से रोल्स आउट और एक्शन करेंगे इन माई वे। तो गाइस, कहीं जाना मत, और हाँ, इतनी मेहनत करो तुम लोगों के लिए, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके? और यार, शेयर वेयर रिव्यूज़ कर दोगे तो और बढ़िया बात है यार। चलो, मिलते हैं लंच के बाद। आई वाज लाइक, उसके बाद आपको तो पता है ना, मतलब कैसे काम मिलता है, हाउ एक काम कैसे होता है, यू नो। सो आई स्टार्टेड क्राइंग, I started crying and I said, Uncle, yeah, and then, okay, this is, I never shared this experience, so I'm sharing it with you right now. Indiana tube, oh yes. I want to give a right information to the